Hi friends, welcome back to another lesson with Abhishek sir. My name is Abhishek, training the people to the tune of spoken English and developing their lives through spoken English classes. Well, this is my team and they will help you speak English. ये सारी की सारी टीम मिलकर हमारे साथ वीडियो शूट करती है ताकि हम आपको घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सिखा सकें. और आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंट्रोडक्शन. जनरली लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं. बच्चे क्या, मुझे लगता है शायद बड़े भी ये गलती करते हैं कि अपना बड़ा बड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं. सोचिए आप किसी से मिलेंगे तो आप क्या पूरी बायोडेटा सुना देंगे उसको, अपनी बायोग्राफी सुना देंगे? नो, दिस इज रॉन्ग. ये सब स्कूल कॉलेजेस में होता था. जब आप जनरली किसी से मिलते हैं तो आप अपने बारे में दो तीन बातें बताएंगे कि भाई मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूँ, आजकल मैं यहाँ रहता हूँ या फिर मैं यहाँ से हूँ. बस इतना सा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ही आपको देना चाहिए. यदि आप बहुत लंबा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे तो उससे शायद हो सकता है कि कुछ लोग इम्प्रेस हो जाएं, बट दैट इज नॉट राइट, वो सही नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मैं कैसे दूंगा? माय नेम इज अभिषेक, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड प्रेजेंटली आई एम डूइंग फोर बिजनेसेस. तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देकर के हम एक्सपर्ट बन सकते हैं. आइए सीखते हैं इंट्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से कैसे दिया जा सकता है. हाय कुलदीप, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ऑफ कोर्स सर, वेल आई एम इंट्रोड्यूसिंग मायसेल्फ. माय नेम इज कुलदीप शर्मा एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लॉ. आई एम डूइंग बीएलएलबी एंड आई एम फ्रॉम जुनामी एंड आई एम लर्निंग दिस लैंग्वेज फ्रॉम यू. दैट्स ऑल. That's wonderful. तो आपने देखा कि कैसे चार पांच लाइनों में इन्होंने बहुत फ्लो में अपना इंट्रोडक्शन दिया. He can speak English very well. ये अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं. आप भी इसे सीखना शुरू कर दीजिए. वीडियो को एंड तक पूरा देखिए. अलग अलग बहुत सारे तरीकों से इंट्रोडक्शन देंगे लोग अभी आपको. और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन भी हिट करें और नोटिफिकेशन बेल पर जाकर आप ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले हमारे सारे वीडियोस का लिंक आपसे मिस ना हो जाए. चलिए मोहिनी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ओके सर, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. दिस इज मोहिनी एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव डन क्लास 12 एंड प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन चंदौसी. थैंक यू. दैट्स वंडरफुल. तो देखा आपने कितने ही आराम से इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया. यदि आप तीन चार बार इसे भूलकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसा ही छोटा सा इंट्रोडक्शन देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. अनुष्का, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हाय सर, आई एम अनुष्का एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड आई हैव डन क्लास 10th एंड आई लिव इन चंदौसी. ओके, दैट्स वंडरफुल. तो ये सब, जैसा कि आई एम फ्रॉम चंदौसी, प्रेजेंटली आई एम टीचिंग द क्लासेस इन चंदौसी, तो फिर ऑफकोर्स ये सब चंदौसी या इसके आसपास के इलाके से, तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम जहां से भी, दिल्ली से, आई एम फ्रॉम गाजियाबाद, आई एम फ्रॉम अलाहाबाद, आई एम फ्रॉम बनारस, आई एम फ्रॉम मुंबई, राइट. आप अपनी जगह के बारे में बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, अपना काम बताएंगे और प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं. चलिए सुनते हैं रूबी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हाय सर, माय नेम इज रूबी एंड आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट संभल. I have done my graduation and I have a diploma in elementary education and now I am pursuing a spoken English course. That's wonderful. देखा आपने रूबी ने कितने अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दिया. She doing graduation. इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है. और ऑफ कोर्स अंग्रेजी बोलना किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है, इसीलिए हमारी टीम में छोटे और बड़े और मिडिल एज ग्रुप के लोग भी हैं. अब हम अरिंजय से पूछेंगे. अरिंजय, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हेलो सर, आई एम अरिंजय एंड आई एम अ स्टूडेंट. आई एम स्टडीइंग क्लास 6 एंड आई बिलोंग टू यूपी. ओके, दैट्स वंडरफुल. आई बिलोंग टू यूपी या आई एम फ्रॉम यूपी, अब जैसे चाहे कह सकते हैं. सवाल ये नहीं है कि आपको क्या कहना है, सवाल ये है कि आप क्या कुछ कह पा रहे हैं. यदि आप कुछ कह पा रहे हैं तो धीरे धीरे वो इम्प्रेसिव हो जाएगा. ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग जब यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू करते हैं तो वो वीडियोस को तो देख लेते हैं लेकिन वो उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते. इससे उनका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कभी भी डेवलप नहीं होता. इंग्लिश आ जाती है लेकिन मुंह से निकलती तो नहीं. तो कहीं आप इसे बैठकर चुप बैठकर तो नहीं देख रहे हैं, मेरे साथ आपने बोलना शुरू किया या नहीं. यदि आप मेरे साथ
मेरे स्टेप्स को फॉलो करने लगेंगे तो इंग्लिश बोलना आपके लिए मानो बच्चों का खेल बन जाएगा. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क खुशी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सर, वेल, दिस इज खुशी राघव एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम परसुइंग क्लास 12. And currently, I am also learning spoken English from you. That's all. Thank you. Oh, that's wonderful. Right. So, guys, I hope now you have learned how to introduce yourself in multiple ways. आपने बहुत सारे तरीकों से अपने आप को introduce करना सीख लिया. अब आपकी बारी है कि आप मुझे comments में अपने आप को introduce करके बताएं. मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ. Thank you.